यार इस इन्वर्टर को टेस्ट तो किया ही नहीं, तो इसे मैं पहले ऑन करता हूँ और ये 12 वाट का बल्ब है तो इसको लगा के देखता हूँ। और यार ये तो बिंदास जल रहा है ये देखिए। तो हेलो भाई, स्वागत है आज की वीडियो में। और इसे मैं पहले बंद कर देता हूँ। और गाइज आज मैंने ये देखिए, आज मैंने आपके लिए एक इन्वर्टर बनाया है। ये देखिए गाइज, लुकिंग देखिए। और गाइज कमाल की बात ये है कि इसी के अंदर मैंने 12 वोल्ट की एक बैटरी डाली है 25 एम्पियर की, ठीक है। तो गाइज ये स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल है, और जहाँ पर लाइट नहीं आती वहाँ पर भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि 5 से 6 घंटे इसका बैकअप है। और आप इसकी लुकिंग देखिए। और गाइज इसे बैग में डाल करके आप कहीं भी ले जा सकते हो, इतना पोर्टेबल है। और गाइज आज मैं इस इन्वर्टर को आपको बना के दिखाऊंगा, तो चलिए बना लेते हैं, लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो ये जो आप सर्किट देख रहे हो यहाँ पर, ये सर्किट आपको अमेजोन से आराम से मिल जाएगा। 200 वाट का ये सर्किट है, और इस पर मैंने कुछ निशान लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्लस आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है। तो भाइयों यहाँ पर तो बैटरी का प्लस लगेगा और यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। और आउटपुट इसकी जो इन्वर्टर की वो यहाँ पर है ऊपर, ये TT जो लिखा हुआ है ना, ये दोनों कनेक्शन ट्रांसफार्मर में लगेंगे, ठीक है। तो ये कैसे लगेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए अभी से फटाफट से इन्वर्टर को बना लेते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर मैं ले रहा हूँ इस इन्वर्टर को बनाने के लिए, तो भाइयों ये 12012 का ट्रांसफार्मर है, ये देखिए 12012, और 2 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। तो मेरे पास 2 एम्पियर है, लेकिन इसमें आप कम से कम 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरे पास 2 एम्पियर है, मैं 2 ही लगा रहा हूँ। कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे मैं करूँगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर 3 तार देख रहे हो ट्रांसफार्मर में, ये देखिए भाइयों, ये इधर 3 तार है, और वहाँ पर जिधर इसकी इनपुट है वहाँ पर 2 तार है। तो भाई इसके कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होंगे, इसमें 2 तार आप ब्लैक देख रहे हो, ये देखिए, बीच वाला आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो दोनों तार ब्लैक है ना, वो इसके यहाँ पर जहाँ पर T लिखा हुआ है यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ MOSFET है, और इसको चलिए मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर MOSFET के ही कनेक्शन है, क्योंकि ये जो हीट सिंक है ना ये पूरी जुड़ी हुई है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रू के ऊपर ही यहाँ पर सोल्डर किया हुआ है, तो मैं दोनों पर यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं इनको, बहुत ही आसान है इस कनेक्शन को करना। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों, हमने दोनों तार को यहाँ पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और ये MOSFET पे ही लगाया मैंने, यहाँ पर भी लगा सकते हो आप, और इसके नीचे भी लगा सकते हो, एक ही कनेक्शन है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर का बीच वाला वायर है ये, तो ये हम बैटरी के पॉजिटिव में लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसे मैं बाद में लगाऊंगा, पहले दूसरे कनेक्शन कर लेते हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर 2 तार है, ये देखिए, एक ब्लैक है और एक रेड है, तो इन्हें मैं बैटरी के लिए यूज़ करूँगा। चलिए फटाफट से लगा लेता हूँ मैं। कनेक्शन तो बहुत सिंपल है, इस पर सब लिखा रहता है कैसे कनेक्शन होने हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर रेड वाला वायर लगा दिया है, ये देखिए यहाँ पर लगाया मैंने। अब चलिए ब्लैक वाला वायर भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और ये हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और भाइयों ये देखिए ब्लैक वाला वायर भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इस प्रकार से हमारे बैटरी के भी कनेक्शन हो गए, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के भी कनेक्शन हो गए, ठीक है। तो अब चलिए इसे मैं यहाँ पर बॉडी में फिट कर लेता हूँ। और इसकी बॉडी के लिए हम यहाँ पर प्लास्टिक की शीट का यूज करेंगे, ये देखिए। तो ये बिल्कुल गोल पाइप था, और उसको काट करके मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये प्लेट बना ली है, ठीक है। तो ये इसकी ऊपर और नीचे की प्लेट हो जाएगी, और इसकी जो दाएं बाएं और आगे पीछे की जो प्लेट है वो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी प्लेट बिल्कुल तैयार है, और ये सारी चीज़ें मैं इसी पर फिट करूँगा, ठीक है भाइयों। तो चलिए फटाफट से फिट कर लेते हैं। तो ये जो सर्किट है अपना, ये मैं यहाँ पर बीच में रख दूंगा, और एक साइड में हमारी बैटरी आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये देखिए। तो चलिए पूरे सर्किट को यहाँ पर असेंबल कर लेते हैं। और इस इन्वर्टर के नीचे हम यहाँ पर एक MDF बोर्ड का टुकड़ा रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इसलिए रख रहा हूँ, अगर ये इन्वर्टर गर्म होता है तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप ट्रांसफार्मर के नीचे भी यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और चलिए सबसे पहले MDF बोर्ड को यहाँ पर चिपका लेते हैं, ओके। तो चिपकाने के लिए हमारे पास ये ग्लू गन है ही यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये जो हमारा इन्वर्टर है इसे भी हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें ये यहीं पर चिपकाना है, ओके। तो चलिए चिपका लेते हैं इसके MDF बोर्ड को भी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के यहाँ पर निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमें होल करना है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड में निशान लगा लिया है, और अब चलिए यहाँ पर मैं ड्रिल की सहायता से होल कर लेता हूँ। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर दोनों होल को कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। और पेंच हमारे पास ये रहे, तो चलिए पेंच की सहायता से हम इनको फटाफट से लगा देंगे, ओके।
ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर को टाइट कर दिया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। और अब ये जो हमारा इन्वर्टर है, देखिए सभी कनेक्शन इसके बहुत अच्छी तरीके से हो रखे हैं। अभी इस इन्वर्टर को भी हम यहाँ पर रख देंगे और इसमें हम दो होल कर देंगे ताकि हमारा इन्वर्टर यहाँ पर अच्छी तरीके फिट हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों, होल हमने यहाँ पर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब चलिए हमारे इन्वर्टर को भी यहाँ पर हम लगा देते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। और इसे लगाने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर दो नट बोल्ट है, तो चलिए इसको यहाँ पर फटाफट से लगा देते हैं। और भाइयों, अब यहाँ पर इस पर हम हल्का सा ग्लू डाल देते हैं इसके बोल्ट पे, ताकि ये अपनी जगह से यहाँ पर इसके नट ना खुल पाए। तो भाइयों, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इन्वर्टर भी फिट हो गया है। अब बची हमारी बैटरी, ठीक है। तो बैटरी को हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, ओके, यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट चिपका देंगे, और इसे चिपकाने के लिए हमारे पास ये ग्लू गन है ही। तरीके से चिपकती है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, ये देखिए भाइयों। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने बैटरी को भी फिट कर दिया है, तो बैटरी हमारी कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। और ये जो ब्लैक और रेड वायर है, ये बैटरी के, रेड तो प्लस पे लगेगा और ब्लैक लगेगा माइनस पे, ठीक है। तो इनमें से जो ब्लैक वायर है, ये हम स्विच से देंगे, यानी स्विच दबाएंगे तो ही बैटरी का करंट इन्वर्टर में जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का ये जो बीच वाला वायर है, इसे भी आप प्लस के साथ में जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर दोनों में एक साथ करंट जाए, ठीक है। तो अब चलिए इसका यहाँ पर फ्रंट वाला हिस्सा हम तैयार कर लेते हैं। और फ्रंट वाला हिस्सा देखिए ये रहा, इसमें मैंने होल वगैरह पहले ही तैयार कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये इसके सॉकेट है, हम यहाँ पर इस प्रकार से इनको लगा देंगे, आप देख सकते हो, ये देखिए। और अब चलिए इनको यहाँ पर असेंबल भी कर लेता हूँ मैं। और असेंबल करने के लिए हमारे पास ये नट बोल्ट है ही। इस प्रकार से हम यहाँ पर फटाफट से इसके सामने वाला हिस्से को तैयार कर लेंगे। और मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वहाँ पर भी मैं दिन भर जो भी काम करता हूँ वो सारा व्लॉग चैनल पर डाल देता हूँ, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज वहाँ पर मिलेगी। तो एक एलईडी तो जब हम ऑन करेंगे इसकी आउटपुट को दिखाएगी, और दूसरी एलईडी जब हम बैटरी चार्ज करेंगे ये बैटरी, तो तब ये जलेगी, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए सब कुछ हमने यहाँ पर लगा दिया है। और ये जो आपके दो तार है, ठीक है, आउटपुट यहीं से निकलेगी ट्रांसफार्मर से, तो इन दोनों तार को सीधे आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। चलिए फटाफट से इनको ही लगाते हैं पहले। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर की आउटपुट सीधे सॉकेट में दे दी, ये देखिए। और यहाँ से दो तार जोड़ करके इस सॉकेट में दे दिए, और इसमें दो तार और लगा दिए, तो इन दोनों तारों को हम एलईडी के साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से जोड़ लेते हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसमें हम यहाँ पर 47 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो 220 वोल्ट सप्लाई आएगी वो इस एलईडी को ख़राब नहीं करेगी, तो हम इस एलईडी के साथ में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए भाइयों, यहाँ पर एलईडी के कनेक्शन भी हमने कर दिए हैं, जैसे ही हमारी आउटपुट में करंट आएगा तो एलईडी भी हमारी जलेगी, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे आउटपुट के सभी कनेक्शन हो चुके हैं, और बचे अब यहाँ पर इसके बैटरी के कनेक्शन, ठीक है। और बैटरी का एक ब्लैक वाला वायर है और दूसरा रेड वाला वायर है, ठीक है। येलो वाला वायर हमारा सीधा ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो ये जो ब्लैक वाला वायर आपको दिख रहा है ना, ये हम यहाँ पर स्विच में लगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर पहले स्विच में लगा लेते हैं इस ब्लैक वायर को। तो एक्स्ट्रा वायर को आपको काट देना है, और इसको छील करके चलिए यहां पर स्विच में लगा लेते हैं, ठीक है भाइयों। ये देखिए, माइनस वायर को सीधा मैंने स्विच से लगा दिया। अब स्विच से एक तार लेंगे हम, और सीधा बैटरी के माइनस पॉइंट पर लगा देंगे, ठीक है। और अब चलिए इसको यहां पर मैं बैटरी के साथ में कनेक्शन कर देता हूं। तो बैटरी में तो यहां पर नट लगा रखे हैं मैंने। तो ये देखिए भाइयों, मैंने यहाँ पर माइनस वायर भी लगा दिया बैटरी का, ठीक है। अब हमारा ये जो प्लस वायर बचा, तो इसको हम सीधा यहाँ पर बैटरी के प्लस वायर से लगा देंगे। तो ये देखिए भाइयों, हमने दोनों बैटरी के भी वायर यहाँ पर लगा दिए हैं, और हमारा सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये सामने वाला हिस्सा है, और इसकी सारी दीवारें अब हम लगा देंगे। इसको पूरे सर्किट को अब मैं बंद करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये साइड वाली दीवार है ना, इसी से शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चिपकाने के लिए हम यहाँ पर एलपी का यूज करेंगे, एलपी हमारे पास ये रही। तो इस दीवार को आपको इस प्रकार से यहाँ पर लगाना है, ये देखिए। तो ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से ये वाली दीवार चिपका दी है, और अब चलिए इधर वाली दीवार भी इसकी चिपका लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए भाई, हमने ये वाली दीवार भी इसकी चिपका दी है, और अब चलिए इसके सामने वाली दीवार को हम यहाँ पर चिपकाते हैं। तो सामने वाली दीवार ये रही, और इसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चिपका लेंगे। तो भाइयों देख सकते हैं, सामने वाली दीवार को भी हमने अच्छे तरीके से चिपका दिया। और अब चलिए इसका पीछे वाला ढक्कन यहाँ पर बंद कर लेते हैं, ठीक है। और पीछे वाला ढक्कन हमारा ये रहा, तो इस ढक्कन को हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन भाइयों, इसमें हम यहाँ पर एक जैक लगाएंगे, ये देखिए। तो ये जैक बैटरी को चार्ज करेगा, ओके। तो इस जैक को हम यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, और इसको लगाने के लिए हम यहाँ पर पहले इसमें एक होल कर लेंगे यहाँ पर,
तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर होल भी कर दिया ये देखिए। और अब चलिए ये जो जैक है इस जैक को हम यहाँ पर इस होल में लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, ये देखिए मैंने लगा दिया है और इसमें तार मैंने पहले ही जोड़े हुए हैं, तो चलिए इसमें एलपी डाल देते हैं ताकि ये अपनी जगह रुक जाए। ये देखिए तो इस पर मैंने एलपी डाल दी है और ये देखिए अपनी जगह यहाँ पर रुक गया है, ठीक है। और अब इसमें ये जो दो तार दिख रहे हैं तो ये हमें यहाँ पर बैटरी में डायरेक्ट लगा देने हैं, ठीक है। और भाइयों इसमें हमें यहाँ पर एक एलईडी और लगानी है, ठीक है, ये मैं भूल गया था। तो ये ग्रीन कलर की एलईडी है और इसमें भाइयों मैंने 390 ओम का एक रजिस्टर भी लगाया हुआ है इस एलईडी के पॉजिटिव पिन पे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर लगाना है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट किए हुए हैं एलईडी के लिए, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर है ये हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो इसे लगाने के लिए मैं यहाँ पर प्लास का यूज करूंगा, ठीक है। तो प्लास से हम कुछ इस प्रकार से इसको पकड़ करके यहाँ पर लगा देंगे। तो एलपी मैं डाल रहा हूँ इस पे ताकि ये अपनी जगह रुक जाए। तो ये देखिए एलपी मैंने डाल दिए और अब ये एलईडी अपनी जगह रुक जाएगी, तो इसको मैं इधर रख दे रहा हूँ, ठीक है। और एलईडी के ये रहे दोनों तार, ये देखिए, ठीक है। तो इन दोनों तार को हमें यहाँ पर पीछे वाले इस जैक के साथ में लगा देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रेड को रेड के साथ में लगा देना है और ब्लैक को ब्लैक के साथ में, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर इन वायरों को सीधा बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं कर रहा हूँ और यार इसमें एक दिक्कत आ रही है, ये मुझे खोलने पड़ेंगे तार, अभी मैं बताऊँगा क्यों खोलने पड़ेंगे। तो ये मैंने तार खोल लिए हैं और प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे ही मैं यहाँ पर कनेक्शन कर रहा हूँ ये एलईडी के, तो हमारी एलईडी डायरेक्ट जल रही है। देखिए देखिए मैं जैसे तार लगाता हूँ ना एलईडी हमारी जलती है, ये देखिए। तो इसे हमें रोकना है, ये जब हम बैटरी चार्ज करेंगे तभी ये जलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक 1N4007 डायोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमें कैसे लगाना है डायोड, सबसे पहले आप यहाँ पर इस जैक के प्लस पॉइंट को हटा दीजिए तार को, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने हटा दिया है और यहाँ पर आपको ये 1N4007 का एक डायोड लगा लेना है, ठीक है। और इसकी जो सिल्वर कलर की लाइन है वो इधर रखनी है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ और इसको हमें यहाँ पर जैक में लगा लेना है पॉजिटिव पे। तो ये देखे भाई हमने डायोड को यहाँ पर लगा दिया है और अब इसमें एक तार हम जोड़ देते हैं जो हमें सीधा बैटरी में जोड़ेंगे, ठीक है। ये तार मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है और अब इस तार को सीधा आप बैटरी से जोड़ दीजिए, ठीक है। और ये देखे मैंने बैटरी का तार यहाँ पर सीधा जोड़ दिया है डायोड के थ्रू। अब ये जो एलईडी का तार है ये हमें यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इससे क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं इस तरीके से दिखा दूँ। देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, एलईडी नहीं जल रही, और इधर लगाऊंगा तो एलईडी जलेगी, ठीक है। ठीक है भाई, ये तो डायोड से पहले हमें ये लगाना है। तो ये डायोड क्या काम करता है, ये बैटरी के करंट को इधर नहीं आने देता और इधर से करंट को बैटरी में तो जाने देगा, ठीक है। तो ये ब्रेकर का काम करेगा यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ये डायोड लगाया है और इससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है। और भाइयों ये देखिए हमने एलईडी का तार भी यहाँ पर लगा दिया है और हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब चलिए इस ढक्कन को हम यहाँ पर इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है। और चलिए अब ऊपर से भी हम चिपका देते हैं, और ऊपर वाला ढक्कन हमारा ये रहा तो हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से बंद कर देंगे, ठीक है। और चलिए इस ढक्कन को भी हम एलपी की मदद से ही चिपका लेंगे, ठीक है। तो एलपी हमें यहाँ पर इस प्रकार से सारे बोर्ड पे डाल देनी है और अब चलिए इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से हम चिपका देते हैं। ये देखिए हम इस प्रकार से इसको यहाँ पर चिपकाएंगे। और भाइयों इन्वर्टर को हमने चारों तरफ से अच्छी तरीके से चिपका दिया है और सामने से हमारा इन्वर्टर कुछ इस प्रकार का लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है सामने से, ठीक है। और अब चलिए इस इन्वर्टर को मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये बटन हम जैसे ही ऑन करेंगे, देखिए, तो जैसे मैंने बटन दबाया एलईडी हमारी जल गई, इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रही है, ठीक है। और भाइयों ये एलईडी कंटिन्यू जल रही है, ये जो आपको ब्लिंकिंग दिख रही है फ्रीक्वेंसी की वजह से दिख रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और चलिए अब इन्वर्टर को टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक होल्डर है, ये देखिए, तो इस होल्डर को मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है, ये मैंने लगा दिया है। और अब चलिए एक बल्ब है मेरे पास, ये देखिए 100 वाट का बल्ब है, तो इस बल्ब को मैं यहाँ पर लगा करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए भाइयों मैंने लगा दिया है और बल्ब यहाँ पर जल रहा है, ठीक है, थोड़ा कम जल रहा है क्योंकि बैटरी शायद डाउन हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये जल रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो मैं लाइट भी बंद करके आपको दिखाऊंगा, फिलहाल मैं इसको निकाल करके दूसरा बल्ब जला करके दिखाता हूँ। ये देखिए 0 वाट का बल्ब है, तो इसको भी मैं लगाता हूँ और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है। तो अब चलिए थोड़ा बड़ा बल्ब मैं आपको जला करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 12 वाट का बल्ब है, इसको भी मैं यहाँ पर लगा करके जला करके दिखाता हूँ। और ये देखिए भाइयों इसकी रोशनी एकदम खतरनाक रोशनी यहां पर दे रहा है, ये देखिए बिल्कुल फुल फ्लैश रोशनी है, बहुत अच्छे तरीके से यहां पर ये हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है। इसको मैं निकाल लेता हूं और एक हमारा यहां पर हमने तार लगा रखे हैं बल्ब में ही, 100 वाट का बल्ब है ये, तो इसको भी मैं यहां पर इधर लगा करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए
ये देखे भाइयों मैंने लगा दिया हो और बल्ब हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से जल गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा इन्वर्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इस पर कुछ भी चला सकते हो, फैन भी चला सकते हो, ठीक है, बल्ब भी जला सकते हो। और अब चलिए ये चार्ज कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूं। तो चार्ज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एडेप्टर है 12 वोल्ट का, ये देखिए 3 एम्पियर इसका करंट है। ठीक है भाइयों, तो इस एडेप्टर की पिन आपको यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, और अब इसे मैं ऐसे कर देता हूँ। और हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें मैं यहाँ पर ये एडेप्टर लगाऊंगा। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है, और जैसे ही मैंने लगाया यहाँ पर एलईडी जल गई है। ये देखिए मैं निकालता हूँ, एलईडी बंद हो जाएगी, ये देखिए बंद हो गई है। ठीक है, अब मैं देखिए बोर्ड में लगाऊंगा, ये मैंने लगाया और एलईडी हमारी जल गई है। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने लगाया, एलईडी हमारी जल गई। इसका मतलब हमारा सर्किट बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर चार्ज भी होगा। ये देखिए चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसे आराम से चार्ज भी कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो इन्वर्टर हमारा बहुत ही बढ़िया है। और अब चलिए इसे चार्ज होते हुए ही मैं इसे टेस्ट भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये 100 वाट का बल्ब है और इसे मैं पहले ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन कर लिया है। और अब चलिए मैं यहाँ पर इसमें बल्ब को लगा करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा फास्ट जला है क्योंकि बैटरी मुझे लगता है डाउन थी। ठीक है, अब थोड़ा सा तेज़ जला है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें बैटरी चार्जर भी लगा रखा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इन्वर्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और आप इस पे फैन भी चला सकते हो, बल्ब भी जला सकते हो 200 वाट तक का। ओके भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।